हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपके लीगल एप्टीट्यूड के लेक्चर्स चल रहे होंगे, अच्छे से चल रहे हैं आई होप। उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि लीगल एप्टीट्यूड में एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और आपको उसको किस तरह से टैकल करना होता है। MHCET अब आपके लिए थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो गई होगी। इस बीच मैं आपके लिए एक लेक्चर लेना चाह रहा था ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर GK जनरल नॉलेज। देखिए कैसा है, हम सबको पता है MHCET में एक बहुत गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज पे। MHCET का जो पेपर रहता है, MHCET के पेपर के मेजरली फोर पार्ट्स रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्री ईयर लॉ कोर्स वाले पेपर में फोर पार्ट्स, लीगल एप्टीट्यूड, देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग, देन कम्स English and the last one is general knowledge and the last one is general knowledge. तो कहीं ना कहीं general knowledge comprises of a very important part of your paper. But what happens is generally I heard students also talking about general knowledge in such a manner कि नहीं यार GK के लिए तो prepare नहीं किया जा सकता, legal aptitude पे मेहनत करनी है, logical reasoning पे अच्छे से practice करनी है, English के भी questions practice करने हैं, GK is okay. Generally students often ignore GK and English. कैसा करते हैं? Legal aptitude तो देखिए आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो आपको इस पे तो मेहनत करनी है, logical reasoning के भी questions practice कर लेते हैं, लेकिन English और GK को generally students पूरी तरह से ignore कर देते हैं, जबकि ये आपके 50% से ज्यादा marks comprise करता है examination में। तो मेरा अभी का lecture focus करने वाला है GK पे and specially about the myth कि आप लोगों का जनरली ये कहना है कि जीके के लिए प्रिपेयर क्या करना है, जीके तो जो हमें आता है वही है। जी नहीं, लेट्स टॉक अबाउट जनरल नॉलेज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर MHCET। एकदम ध्यान से, MHCET का जो हमारा लॉ के एंट्रेंस के लिए जो पेपर आएगा उसमें जीके दो तरह से डिवाइड की जा सकती है। वन इज Static GK. One is current affairs. Static GK का मतलब हो गया वो general knowledge जो कि static है, जो कि change नहीं होती। इसके अंदर आ जाता है हमारा history, geography कह सकते हैं, हमारी country के बारे में कुछ details, हमारे नेशन के बारे में, हमारे कुछ नेशनल एम्बलम हो गए, हमारे जो भी एंथम्स हो गए, हमारे जो भी नेशनल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, इन सब चीजों के बारे में जो भी होता है, ये सारी चीजें आती है स्टैटिक जीके के अंदर, जो कि स्टैटिक है, जो कि आपने पढ़नी ही है। करंट अफेयर्स में एट योर लेवल MHCET में आपके लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लास्ट वन ईयर। तो देखिए कैसा है, आपको जब स्टडी मटेरियल पूरा मिला होगा, पेनड्राइव वगैरह पूरा मटेरियल बुक्स के साथ में, आपको एक पेज मिला होगा GK स्टडी प्लान। दैट स्टडी प्लान फोकसेस ऑन द स्टैटिक पार्ट। एग्जाम में मेजर पोर्शन इज ऑन द स्टैटिक पार्ट। सर फिर इस करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? यू डोंट हैव टू वरी, ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग अ sheet notes, a few sheets 15 days before your examination आपको एक sheet मिल जाएगी, आप सबको आपके mails WhatsApp के through, और उसे आपको पढ़ना है for this current affair आपको sheet पढ़ के जाना है। सर नहीं, हमें, हमारे पास time है, हम for almost one year, almost more than 6 months, 7-8 months से prepare कर रहे हैं MHCET के लिए, हमारे पास और time है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए एक magazine आती है, आपने उस बारे में शायद से सुना होगा, प्रतियोगिता दर्पण, पीडी कहा जाता है उसको। इफ इट ऑल आपके लिए फीजिबल है तो आप इस पूरे ईयर के लिए एक महीने की एक जो प्रतियोगिता दर्पण आती है वो बाय कर लीजिए, 12 प्रतियोगिता दर्पण फॉर द एंटायर ईयर, 12 मंथ्स की 12 मैगजीन, और उसको रीड कर लीजिए। एक प्रतियोगिता दर्पण में उस पूरे मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स हुए उस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन और उसका पूरा कंटेंट रहता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होता है। तो आई कैन सजेस्ट यू टू रीड प्रतियोगिता दर्पण फॉर ऑल द 12 मंथ्स फॉर दोज हुव गॉट बहुत सारा टाइम, बहुत सारा समय आपके पास, तब ये कर सकते हैं।
बाकी फॉर एवरीवन एल्स हम आपको मटेरियल भेजेंगे करंट अफेयर्स एग्जाम के 15 डेज पहले. दैट्स इट. आपको सिर्फ उन्हें रीड करना है और एग्जाम में जाना. आपने पूरा फोकस अभी करना है आपके स्टैटिक जीके के ऊपर, स्टैटिक जीके के ऊपर. और इस स्टैटिक जीके के लिए हमने आपको जो जीके का स्टडी प्लान दिया है उसको मैं भी डिस्कस करने वाला हूं. चलिए एकदम ध्यान से. चलिए ये आपको स्टडी प्लान दिख रहा होगा. बिल्कुल देखिए किस तरह से दिया गया है इसमें. ये जो आपको दिख रहा है ना, पीपल हु मैटर, एब्रीवेशंस, जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री, स्पोर्ट्स, वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने फॉर स्टैटिक जीके. और ये सारे पेज नंबर्स हैं जो आपको पढ़ने, मतलब पीपल हु मैटर दिया गया है जो हमने आपको बुक बताई है उसमें 607, 608, 609, 610, 11, 12, 13 इन पेजेस पे. और इसी तरह से सारे पेज नंबर्स दिए गए. अब आपने क्या करना है, आपने एग्जाम में जाने से पहले, आप एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले इन सारे पेजेस का जिसपे मैंने आपको जीके का कंटेंट है इसकी आपकी दो बार रीडिंग हो जानी चाहिए. इसकी आपकी दो बार रीडिंग हो जानी चाहिए. एक रीडिंग तो अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक रीडिंग सेकेंड रीडिंग हो जानी चाहिए वन मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन. कि आपने अभी पूरा जीके को पढ़ना है, इस तरह से प्लान करना है कि एग्जाम के एक महीने पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए और फिर आपने जस्ट वन मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन इसको वापस सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करनी है. अब सर पढ़ते टाइम किस तरह से पढ़ना है, एकदम ध्यान से देखिए. आपने डेली देखिए जीके कैसा होता है, एट टाइम्स इट विल नॉट एक्साइट यू, या आपको इतना एक्साइटिंग शायद नहीं लगेगा, आपको ये थोड़ा सा बोर्डम जैसा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. बिकॉज जीके इज दैट सब्जेक्ट, दैट पार्ट ऑफ योर पेपर जहां पे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा. एक क्वेश्चन है वो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है. आता है तो इन इवन 10 सेकेंड्स यू कैन टेक अ क्वेश्चन. वहीं लॉजिकल रीजनिंग में अ फ्यू क्वेश्चंस माइट टेक योर 2 मिनट्स और मोर. तो वो कंपनसेट आपको जीके करता है, क्योंकि जीके में इन 10 सेकेंड्स इफ यू नो द आंसर यू कैन टेक एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम एडवांटेज ले सकते हैं. तो जीके को अच्छे से पढ़ के जाना है. तो आपने कैसे करना है, खुद को मोटिवेट करने के लिए ये प्लान को आपको अपने घर पे किसी वॉल पे स्टिक कर देना है. फिर आपने रूल बना देना है डिपेंडिंग क्या पढ़ाई कब स्टार्ट कर रहे हैं कि दिन में आपको कितने पेजेस पढ़ने. इफ पॉसिबल देखिए तकरीबन 120 पेजेस हो रहे हैं. इफ पॉसिबल आपने डेली 2-3 पेजेस ही पढ़ने चाहिए. लेकिन अगर आपके पास टाइम ही कम है, इफ यू गॉट 3 मंथ्स का टाइम तो आप कंफर्टेबली कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में टाइम ही कम है तो आप नहीं कर पाएंगे. तो आपने फिर उसके हिसाब से डेली के नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा देने, राइट. तो आपने क्या अभी से लेके एग्जाम के एक महीने पहले छोड़ के, एग्जाम से वन मंथ तो छोड़ दिया बिकॉज उसमें तो सेकंड रीडिंग होगी, एग्जाम का जो लास्ट मंथ है उसमें सेकंड रीडिंग होगी, उसके पहले आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आपने डिवाइड करना है कि डेली कितने पेजेस पढ़ने. आपने मिनिमम 2 पेजेस तो पढ़ने, ऑप्टिमम 2-3 पेजेस डेली पढ़ने. उससे ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है बिकॉज अदरवाइज आप उतना याद नहीं रख पाते. तो आपको सिर्फ उतना पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, उतना पढ़ के आपको छोड़ देना है. अब आपने क्या करना है, एक वॉल पे स्टिक कर लिया. आपका डे वन है, आपने 607 और 608 पढ़ा है, तो आपने उसी टाइम पे 607 और 608 को कर देना है टिक. कट कर दीजिए, 607 हो गया, 608 हो गया. नेक्स्ट डे 609, 610 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया. इस तरह से मार्क माय वर्ड्स, जब आप वो 2 पेजेस पढ़ेंगे उस पेज नंबर को कट करेंगे ना, इट विल गिव यू ट्रिमेंडस हैप्पीनेस, ट्रिमेंडस हैप्पीनेस. और इस तरह से आपने एक एक करके इन सारे पेजेस को पढ़ना है. एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन तक, यहां तक आपने पढ़ना है. वंस वहां पर आपका हो चुका है, फिर आपने स्टॉप करने के लिए टेक अ ब्रेक ऑफ अ फ्यू डेज. और फिर आपका जब लास्ट मंथ आता है तब आपने वापस सेकंड रीडिंग सिमिलर फैशन में, तब आप डेली नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि पहले एक बार आप पढ़ चुके हैं ना, तो यहां पे आप वापस पढ़ेंगे. वापस से कट 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 कट. जिस स्टूडेंट के एग्जाम से पहले ये सारे पेजेस कट हो गए अच्छे तरीके से, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कट नहीं करना है, अच्छे तरीके से, मार्क माई वर्ड, एग्जाम में यू विल सेल थ्रू एंड यू विल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन का, तो इसको बिल्कुल लूज तरीके से मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए. नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे कि बुक के अंदर यू विल सी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं.
जैसे ये साइंस पे 898 पे खत्म होता है, इसके बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी पढ़ी तो भी चलेगी फॉर जीके। बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप जानते हैं हम सारे एमसीक्यू बहुत ही एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज कर रहे हैं, पर यहां पर अगर आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ा तो भी चलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद को चेक करने के लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहीं पर आपके एमसीक्यू के सारे आंसर्स भी दिए हुए ही हैं उन सारे क्वेश्चंस के बाद में, तो आपका बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग तरीके से हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर जीके। देखिए थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा जीके को, बिकॉज जीके के लिए नोबडी कैन टीच यू। ऐसे नहीं होता कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र जी मोदी, इसके पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स, इसके पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर वाई। इस तरह से पढ़ाने से कोई सेंस नहीं बनेगा। यू आर नॉट अ 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स, आप एक ग्रेजुएट हैं जो कि लॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने इतना इंटेलेक्ट लेवल होना चाहिए, इतना आपको खुद से पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि आपने ये चीजें करनी है, कि आपने खुद से सेल्फ मोटिवेशन के साथ में सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने। बिकॉज यारों कैसा है, स्पून फीडिंग आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपको पैरालाइज कर देगी। यू विल बी पैरालाइज टोटली बिकॉज ऑफ स्पून फीडिंग। दैट इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। I don't want to do that. I'm not supporting that anyways. I'm asking you, I'm offering you a good plan, but somewhere you will have to execute it. You will have to execute it, and the one who executes it perfectly, trust me, will be one among the toppers for MH CET Law entrance examination and will get his dream college, right? तो इसी zeal के साथ में अच्छे से पढ़ते चाहिए। And of course, अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता, doubt के नहीं यार ये ऐसा कैसे, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हमने आपको जो number दिए हैं उस पे आप any time WhatsApp कर सकते हैं, you'll get a call from one of us, okay? चलिए, all the very best people, prepare well, do well, be among the toppers, kill the examination. चलिए, all the very best, bye bye.